सो हेलो गाइस, गाइस क्लास 12th का हिंदी का पेपर हो चुका है। हमारे पास फीडबैक अभी अभी आई है। 3 बजे उनका पेपर यहाँ पर जो है ख़त्म था, उसके बाद वो घर आए। 4 बजे के आसपास हमने जो है सारी जानकारी उनसे जुटा ली है कि भाई कैसा पेपर आया, कहाँ से आया, कैसे क्वेश्चंस आए, और आप लोग जो है जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ उन्हें क्या कहना चाहते हो, ये सारी की सारी बातें मैं उनसे पूछ के आया हूँ। कमेंट सेक्शंस में जो है उनसे बात की है, व्हाट्सएप पर बात की, सब कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूँ। गाइज अब जो है अगर आप लोगों का पेपर आज नहीं था, आगे है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, और जिसका आज था वो भी ये वीडियो देखकर भाई बता देना अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो। सो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर की पिक्स हमारे पास आई हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। ऊपर आप देखिए सेट, ठीक है, यानी कि आपके पेपर में सेट आए थे, ये देख लो। जिनको अभी तक नहीं पता था, जिनका एग्ज़ाम नहीं था आज, वो सुन लीजिए, आपके यहाँ पर 4 सेट आए थे ABCD, ठीक है। जो सब्जेक्टिव पेपर है वो सेम आया था, क्वेश्चंस ऊपर नीचे आए थे, ठीक है, समझ गए। सो जिसने भी ये पिक्स भेजे हैं सबसे पहले तो उसको थैंक यू भी कहना चाहूँगा मैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है गाइज, समझ गए, यानी कि आपके 4 सेट आने वाले हैं, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं उन्होंने हमें क्या बताया और उसके ऊपर। तो देखो यार, आपका आज जो यहाँ पर एग्ज़ाम था वो था 12th हिंदी का। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम के लेवल की। आप लोग ये जानने के इच्छुक होंगे कि भाई एग्ज़ाम कैसा आया था, इजी था, नॉर्मल था, हार्ड था। तो मेरे पास मैंने जो भी जिनसे भी बात की है उन सभी ने ये कहा है कि भाई एग्ज़ाम था वो बिल्कुल इजी था, ठीक है। प्रूफ दिखाता हूँ यहाँ पर मैं आपको, व्हाट्सएप पे देख लीजिए, 4:15 के आसपास हमने बातचीत की है, ठीक है। यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स का मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने जो है फीडबैक ली है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर इनके हमने हाइड कर दिए हैं, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसके बाद मैंने इनसे पूछा कि भाई हमने जो आपको बताई थी PDF खरीदने के लिए, या फिर हमने जो वीडियोज़ बनाई थी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनमें से कुछ आया या नहीं आया। सो गाइज यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो, यहाँ पर ये भाई हैं, ये कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, 90% इसी में से आया था, ठीक है। देख सकते हो गाइज आप लोग, हमने जो है यहाँ पर बिल्कुल रियल फीडबैक लिया इनसे, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो, दूसरा जो बंदा है वो कह रहा है ज़्यादातर इसी में से आया था, ठीक है। तो जो सच्चाई है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि भाई जो भी हमने आपको बताया है वो ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही बता दिया कुछ भी हवा में, उनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पास होने लायक काम तो बिल्कुल आया है। एक भाई 90% बता रहा है, ठीक है, एक से हमने और बात की थी वो 70% बता रहा था, तो ये तो मान के चलो कि पास होने लायक तो काम उससे आ रहा है, ठीक है। तो गाइस अब भी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खरीदने हैं, आप लोग यहां पर देख सकते हो हरियाणा बोर्ड 10th 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF, 25 रुपये की एक PDF है, 110 रुपये का फुल सेट है। इन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको जो है हेलो हाई भेजना है, कॉन्टैक्ट करना है, 9499227868, ठीक है, और यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सारे क्वेश्चंस इसी से आए थे, लेकिन आप लोगों ने खुद देख लिया ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस इसी से आए थे, पास होने लायक काम आया था, ठीक है। और यार इनके जैसे क्वेश्चंस तो सारे के सारे आए थे, ठीक है, समझ गए। तो आप इनके ऊपर कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे और उन्होंने क्या बताया, ठीक है। तो देखो एक चीज़ उन्होंने और बताई है, प्रीवियस ईयर से भी जो है क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है। जिनका भी पेपर अभी नहीं हुआ है सुन लीजिए, प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस आ रहे थे। मैंने उनसे एक सवाल और पूछा कि भाई आपके जो सैंपल पेपर आए हुए हैं साइट के ऊपर उनसे भी क्वेश्चंस आए क्या। तो देखो इसका जवाब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्वेश्चंस थे वो नहीं आए, लेकिन पैटर्न वही था, जो बात मैं आपको लगभग एक महीने पहले बता रहा था कि भाई पैटर्न समझना होता है, ठीक है, कि भाई कैसा पैटर्न है। अगर आपके पैटर्न समझ में आ गया कि भाई एग्जामिनर ने इस चीज़ से क्वेश्चन उठाया, इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया सैंपल पेपर में, तो उसी टॉपिक से एक अलग क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में, लेकिन उसी टॉपिक से मिलेगा, ठीक है। यानी कि यह नहीं है कि सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो कि वो मिल गए, नहीं, एक दो मिल गया हो तो अलग बात है, लेकिन बहुत ही कम आए हैं सैंपल पेपर से। हाँ प्रीवियस ईयर से आए हैं, लेकिन सैंपल पेपर का जो पैटर्न था वो बिल्कुल सेम टू सेम आया है। यानी कि इस चैप्टर से अगर ये क्वेश्चन इस टॉपिक से उठाया गया था सैंपल पेपर में, तो उसी चैप्टर से उसी टॉपिक से एक अलग क्वेश्चन पेपर में आया है, समझ गए कहने का। यानी कि जिन जिन टॉपिक्स को, जिन जिन चैप्टर्स को छेड़ा गया है आपके सैंपल पेपर में, टच किया गया है, क्वेश्चंस उठाए गए हैं, वो टॉपिक्स, वो चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है, समझ गए। अब इसके अलावा उनसे एक बात और पूछी गई है कि वहाँ का माहौल कैसा था। तो देखो थोड़ा बहुत कह रहे हैं कि चीटिंग भी चल रही है, ठीक है, जो मेरे पास फीडबैक आई वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीटिंग चल रही है, ये दावा हम नहीं कर रहे, जिन्होंने हमें बताया है वो कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा गाइज पेपर के बारे में तो वो इजी ही बता रहे हैं। हाँ एक चीज़ और बताई है, वो कह रहे हैं, कुछ एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि 5 नंबर का छूट गया, 7 नंबर का छूट गया, यानी कि थोड़ा सा लेंथी है वो बताया जा रहा है, और 2.5 घंटे का समय जो है वो थोड़ा कम बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप ये सीख सकते हो कि आपको थोड़ा अपनी तैयारी जो है तेज़ करनी है, राइटिंग वगैरह, ठीक है,
समझ गए। तो गाइज ये था आज के पेपर का रिव्यू। अगर आपको ऐसे ही हर पेपर के रिव्यू चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, समझ गए। सो गाइज अगर आपको खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हो, वरना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, ठीक है, समझ गए। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।